मध्य प्रदेश को लगातार पांचवी बार कृषि कर्मठ अवार्ड से नवाजा गया। बावजूद इसके प्रदेश का किसान परेशान है। प्रदेश का किसान वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। फसलें बर्बाद हो जाने के कारण ना तो किसान ऋण चुका पा रहा है और ना ही किसान को फसल का मुआवजा मिल रहा है, जिसके चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आलम यह है कि प्रदेश में पिछले 13 वर्षों में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मंदसौर गोलीकांड के बाद शुरू हुआ किसानों का संग्राम अब उग्र रूप ले चुका है। प्रदेश के हर जिले तहसील में किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कहीं भावांतर भुगतान योजना का विरोध हो रहा है तो कहीं बर्बाद फसल के मुआवजे के लिए किसान सड़कों पर उतर गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों को मनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। भावांतर भुगतान योजना, फसल बीमा, 0% किसानों को ऋण देकर सरकार ने किसानों को मनाने की कोशिश भी की है। साथ ही खेती को लाभ का धंधा और किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार ने संकल्प भी लिया है और काफी हद तक सरकार इसमें कामयाब भी रही है। चुनावी साल में किसानों का ये प्रदर्शन यकीनन सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है, जिसे सरकार को वक्त रहते दूर करना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस भी किसान के मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। खैर, अब देखना होगा कि सरकार किसानों को मनाने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस इसका फायदा उठा पाती है।